और अब बात मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां मानव तस्करी के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर मानव तस्करी के आरोपी शाहरुख के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। आरोप है कि शाहरुख उस मानव तस्करी गैंग में शामिल है, जिस पर नाबालिग के अपहरण के आरोप हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ है, मानव तस्करी के मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके द्वारा जो घटना तारीफ की गई है, उसके लिए तो उसको सजा पत्र से जो है न्यायालय देगा। हम लोगों ने तो क्योंकि हमारी रूटीन की कार्रवाई होती है, कोई अतिक्रमक होता है तो हम लोग उसका अतिक्रम हटाने की कार्रवाई करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना 17 फरवरी से शक्ति प्रदर्शन करेगी, जिसे वायु शक्ति 2024 का नाम दिया गया है। जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में होने वाले इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के 120 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। राफेल, सुखोई, मिराज, चिनूक जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्धाभ्यास में एयरफोर्स की अटैकिंग और डिफेंसिव टीम परफॉर्म करेगी। एयरफोर्स अपने हथियारों को पूरी सटीकता से इस्तेमाल करने की तैयारियों को परखेगा। एयरफोर्स के पायलट युद्धाभ्यास के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।